दोस्तों, जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की हर घटना में कोई ना कोई सूत्र है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा, आज भी हम हमारे माधव को यही भोग लगाते हैं, किंतु यह हमें कुछ और संकेत देते हैं। कृष्ण का जीवन बतलाता है कि आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बाल्यावस्था में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही मनुष्य युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ही खान पान का ख्याल रखें, सात्विक भोजन करें। आज कल के ये पेरेंटिंग दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए सबसे बड़ा मैसेज है, अपने बच्चों को ऐसा भोजन दें जो उन्हें बल दे एवं हष्ट पुष्ट रखे। सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं एवं समाज को सही दिशा में ले जा सकेंगे। बल्कि यह कहना अत्यधिक श्रेष्ठ होगा कि हम अपने बच्चों का ख्याल भ्रूणावस्था से ही रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।